जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शेखावत जेएनएन व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और सीमा जन कल्याण समिति सहित कई संघों से जुड़े रहे हैं। वहीं झालावाड़ से मौजूदा सांसद दुष्यंत सिंह को मौका मिला है। कोटा से ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, बीकानेर से मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल, जालौर से मौजूदा सांसद देवजी पटेल, जयपुर शहर से रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण से निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़, चूरू से मौजूदा सांसद राम सिंह कसवा के पुत्र राहुल कसवा, भीलवाड़ा से सुभाष बहेड़िया, दौसा से डीजीपी रह चुके हरीश मीणा, नागौर से आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके छोटू राम चौधरी, सवाई माधोपुर जहां से कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है वहां से भाजपा ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया है। वहीं सीकर से स्वामी सुमेतानंद, झुंझुनू से संतोष अहलावत, उदयपुर से अर्जुन राम मीणा, बांसवाड़ा से नाना शंकर मीनामा, भरतपुर से बहादुर कौली, अलवर से महेंद्र चांदनाथ, गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल और राजसमंद से हरिओम सिंह राठौर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बाड़मेर, अजमेर, करौली, धौलपुर और पाली से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। बाड़मेर सीट से उम्मीदवार की घोषणा जसवंत सिंह और कर्नल सोनाराम की दावेदारी के बीच फंस गई है।